नेम से नाम लिख सकता हूं क्या, जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है ना, तो इसमें इसका एक फंक्शन है, लेट्स से स्क्वायर रूट। क्या फंक्शन है जो क्या रिटर्न करेगा, जो भी हम नंबर देंगे उसको इट विल रिटर्न द स्क्वायर रूट, है ना, उसका रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट। तो ये तो उसका लॉजिक के हिसाब से है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वो फॉर्मूला रहेगा। तो अगर उसको अगर हमने नंबर पास किया उसको हमने एन, तो वो उसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा। ठीक है, तो लॉजिक फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एन, जो भी उसका लॉजिक रहेगा वो डालेगा वो, तो क्योंकि ये इनबिल्ट क्लास है तो अपने को देखना नहीं कि लॉजिक क्या लगाया होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है ना स्टैटिक है, क्या ये क्या फंक्शन है ये, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, स्टैटिक है। मतलब क्या, मतलब क्या हो गया स्टैटिक, मतलब क्या शेड शेड है, मतलब इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, है ना, ऑब्जेक्ट की, सर। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग मैथ डॉट स्टैटिक कॉल कर सकते हैं ना, डायरेक्ट मैथ डॉट है क्या, नहीं तो इसका इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है यस पॉसिबल है पॉसिबल, है ना। तो इंपोर्ट करते वक्त ना, इंपोर्ट करते वक्त एक कीवर्ड भी है स्टैटिक। मतलब अरे यार का मुश्किल है, डॉट तो अभी देखो, तो अगर मैं इंपोर्ट करता हूं, हाँ वो एसओपी मतलब क्या था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट। तो अभी मैंने जावा, मैंने अभी लैंग पैकेज को इंपोर्ट कर दिया है, तो मैं मेरे प्रोग्राम में कैन आई यूज स्क्वायर रूट फंक्शन नाउ, यस मैम। बट यू सेड दैट दिस लैंग पैकेज इज इंपोर्टेड ऑटोमेटिकली। यस 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 इट इज इंडीड, आई एम शोइंग यू ऑल वन वे ऑफ इंपोर्टिंग कॉल्ड एज स्टैटिक इंपोर्ट, कॉल्ड एज, स्टैटिक इंपोर्ट तो मैं उस एग्जांपल सेक के लिए ले रहा हूँ, एग्जांपल सेक के लिए। तो आप सिर्फ स्टैटिक इंपोर्ट समझ जाओ, फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप लैंग पैकेज को इंपोर्ट करो। तो स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल इसका है, ठीक है। तो अभी अगर मैंने मैथ पैकेज इंपोर्ट किया है तो मैं सारे फंक्शन जो उसके स्टैटिक फंक्शंस है किससे कॉल करूंगा, मैथ मैं उसको क्लास के नाम से, राइट, यस यस नो मे बी, ऐसे ही फंक्शन है पावर। सर पर हमको कैसे पता चलेगा स्टैटिक है या नहीं? मतलब वो वो अपन, तो ये है ना, वो अपन देख पाते एक्सपीरियंस, हैं ना। अपने को आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ में वो। तो मैथ जब आप करोगे ना, मैथ मैथ क्लास, तो सारा आपको दे देगा डेटा अंदर का। ऐसे ये फंक्शन है पावर, क्या फंक्शन है, तो व्हाट इज 2 रेस टू 2, ऐसे एक फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे कोई एज निकालना चाहे एज, तो डेट ऑफ बर्थ माइनस करंट डेट करेगा ना, क्या उसका उल्टा करने का। तो अगर कोई बॉर्न है 1998 में माइनस 2021, तो आंसर क्या आएगा, -23 ना, तो -23 सेम एज 23, यस और नो। तो वी कैन डू ओवर हियर एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट वी कैन डू, तो व्हाट व्हाट एवर आंसर कम्स विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, विल बी ट्रीटेड एज, तो इनके आउटपुट क्या आएंगे बोलो तीनों के,
सेवन फोर और फोर है ना? यस नो मे बी यस राइट ओके. अभी अगर मैं इंपोर्ट करते वक्त जो है ना स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं, क्या लगा दूं? ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिक, क्या लगा दिया मैंने? है ना, अब जब स्टैटिक कीवर्ड, इसको बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको? तो स्टैटिक इंपोर्ट लगाने के बाद में है ना आपको क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक फंक्शन अपने आप कॉल होगा बगैर किसी क्लास के नाम से भी, समझा? इज स्टैटिक इंपोर्ट अंडरस्टूड? सर हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं सर, इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट यूटिल, यूटिल क्लास के अंदर अपने को स्टैटिक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट पैकेज नहीं इंपोर्ट करना पड़ता भाई. स्टैटिक इंपोर्ट में वी इंपोर्ट अ क्लास, वी इंपोर्ट अ क्लास. इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, यू आर इंपोर्टिंग व्हाट, पैकेज और क्लास? क्लास. तो यहां पर क्या होगा मतलब क्या, यूटिल पैकेज के अंदर सारे, यूटिल पैकेज के सारे क्लासेस जो है ना वो इंपोर्ट हो जाएंगे स्टैटिकली. तो स्टैटिक इंपोर्ट जब भी दो ना तो क्लास का नाम साथ में दे दिया करो. तो अगर आपको स्कैनर करना है, अब स्कैनर के अंदर कौन सा मेथड स्टैटिक है तुझे मालूम है क्या? नहीं. तो इसके तुझे मालूम होना चाहिए कि जो तो क्लास इंपोर्ट कर रहा है स्टैटिकली, स्टैटिक मेथड्स कौन से हैं तुझे मालूम होना चाहिए पहले. वो सर वो कैसे मालूम होगा? वो अपने को प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से. ये तो बहुत कॉमन क्लास है मैथ, तो इसका इसका सारे मेथड स्टैटिक है. और ये एक टेक्निक बताया मैंने, टेक्निक कि स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है. अब फ्यूचर में अगर आप खुद क्लासेस बनाओगे, फ्यूचर में जैसे अभी हम खुद बना रहे हैं पैकेज, अभी हमारा टाइम आ गया कि हम खुद पैकेज बनाएंगे हमारे, है ना अमन? वी विल क्रिएट आवर ओन पैकेजेस, है ना? तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग आवर ओन पैकेजेस, वी नो ना कि स्टैटिक क्या रहेगा उसके अंदर, तो हम लोग स्टैटिक इंपोर्ट यूज कर सकते. नहीं समझा अभी भी?